आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, जहां हमारे स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं बी टाउन के एक प्रतिष्ठित परिवार पर। ये परिवार हमेशा से अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में रहता है। इस परिवार में रिश्ते साथ ना होकर कैसे शुरुआत से एक दूजे के खिलाफ रहे हैं, ये बात हर बार चर्चा का विषय बनती है। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं देओल परिवार के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, शादीशुदा थे, चार बच्चों के पिता थे जब धर्मेंद्र, तब उन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की। और इन सब के बीच में सनी देओल और बॉबी देओल ने कभी हेमा को अपनी माँ के तौर पर स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अब जब से सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की है, उसके बाद से ही यही कहेंगे हम कि एक लंबे वक्त के बाद एक परिवार में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों शामिल हो चुके हैं। एक परिवार से ये दोनों जुड़ चुके हैं। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने के बाद, फिल्मी दुनिया में ढेर सारी सफलता हासिल कर देने के बाद, राजनीति के अखाड़े में सनी देओल उतर आए हैं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है। और इन सबके बीच में एक बुरी खबर फिलहाल सनी देओल के लिए और उनके तमाम फैंस के लिए आ रही है। सनी देओल, जिनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने का इंतज़ार उनके फैंस दिल थाम कर करते हैं, सनी देओल जिनकी फिल्मों को बड़े पर्दे पर उनके फैंस हमेशा से देखना चाहते हैं, फिलहाल राजनीति की दुनिया से जुड़ने के बाद एक बड़ा झटका सनी को भी लगा है और उनके तमाम प्रशंसकों को भी, क्योंकि उनकी एक फिल्म पर रोक लगने की तलवार लटक रही है। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी जानकारी, ये कौन सी फिल्म है और आखिर चुनाव यानी इलेक्शन की वजह से इस फिल्म की रिलीजिंग कैसे खतरे में आ चुकी है, वो कौन से मुद्दे हैं जो अब तक तो नहीं उठ रहे थे, लेकिन जब से अपनी स्टेप मॉम यानी हेमा मालिनी के नक्शे कदमों पर चलते हुए सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है, तब से कैसे ये राजनीति सनी के फिल्मी करियर में रोड़ा बनने के लिए तैयार हैं, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा, बॉलीवुड के प्रतिष्ठित परिवार देओल परिवार की चर्चा फिलहाल हर जगह हो रही है। देओल परिवार को लेकर फिलहाल एक के बाद एक खबरें आती जा रही हैं, जहां एक ओर देओल परिवार में अब रिश्तों के बीच सालों से जो कड़वाहट थी, सालों से जो दूरियां थी, वो दूरियां पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली हैं। इसे लेकर इसके प्रशंसक लगातार अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करने में लगे हैं। वहीं अब इस परिवार ने नया बस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच में हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है देओल परिवार के बीच। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और यहाँ पर सनी देओल, जिनके बीच का रिश्ता सौतेले माँ बेटे का है, फाइनली एक परिवार यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार एक कड़ी ऐसी आ गई है जिसने हर धर्मेंद्र के बेटे सनी को उनकी सौतेली माँ हेमा के साथ जोड़ दिया है। अब इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कहां पर माँ हेमा का हाथ सनी देओल ने थामा और खबर आ चुकी है राजनीति से। दरअसल राजनीति के गलियारों में कदम रखते ही सनी देओल के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जहां एक ओर चारों ओर सारा देश चुनावी रंग में रंगा है, चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर हुए विवाद के बाद अब गुरदासपुर से भाजपा प्रत्याशी यानी एक्टर सनी देओल की फिल्म ब्लैंक भी विवादों में आ सकती है। गौर हो कि ये फिल्म वोटिंग से 2 हफ्ते पहले यानी 3 मई को रिलीज होनी है। इसके प्रमोशन का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। इस फिल्म में सनी देओल ATS यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते के कैरेक्टर को
प्ले कर रहे हैं जो टेररिस्ट के मंसूबों पर पानी फेरते हैं। अब इस फिल्म को लेकर चुनाव आयोग सख्ती बरत सकता है, ऐसी खबर आ रही है। दरअसल फिल्म का थीम राष्ट्रवाद, देशभक्ति और टेररिस्ट के मुद्दों पर आधारित है, जो भाजपा नेता खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जोरों शोरों से गूंजता है। ऐसे में गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ का कहना है कि वो फिल्म की जांच पहले अपने स्तर पर कराएंगे और अगर इस फिल्म के माध्यम से बीजेपी के यहां पर गुरदासपुर से जो प्रत्याशी बनकर उतरने वाले हैं, यानी एक्टर सनी देओल ने अगर किसी भी तरह से फिल्म का इस्तेमाल यहां पर किया तो वो इसकी आयोग से शिकायत करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं का मानना है बॉर्डर हल्का होने के नाते गुरदासपुर पहले से ही आतंकवाद से परेशान है, दो बड़े हमले ये फिल्म झेल चुकी है। ऐसे में फिल्म के एक्शन हीरो की छवि से सनी देओल को फायदा हो सकता है। और इन सब के साथ ही बता दें आपको, गुरदासपुर में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे जनता का वोट बटोर सकते हैं, तो इसी वजह से गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि वो इस फिल्म की जांच करवाएंगे। बता दें आपको, फिल्म पहले 11 जनवरी को रिलीज होनी थी लेकिन शूटिंग में देरी हो गई और इसलिए 3 मई को रिलीज होगी। ट्रेलर भी अब तक रिलीज नहीं हुआ है, ट्रेलर भी रिलीज होगा। कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि वे फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि सनी देओल की फिल्म एक साल बाद आ रही है। उन्होंने पंजाबी पुत्र होने के नाते ज्यादा दर्शक फिल्म देखेंगे। कुछ ही दिनों में ऑनलाइन टिकट मिलनी इस फिल्म की शुरू हो जाएगी। तो इन सबके बीच में जहां एक ओर सनी देओल को भी अपनी फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी, जहां एक तरफ सनी देओल भी ये सोचकर बैठे होंगे कि ये फिल्म उनके लिए एक बड़ी सफलता लेकर आ सकती है, जहां एक ओर सनी देओल भी ये सोचकर बैठे होंगे कि इस फिल्म से उन्हें अपार सफलता मिल सकती है, वहीं अब फिल्म पर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की तरह हो सकता है कि इस फिल्म को भी रोक दिया जाए। हो सकता है कि चुनाव आयोग की ओर से इस फिल्म को भी रिलीज ना होने दिया जाए। लेकिन अगर वाकई ऐसा कोई कदम आगे आने वाले समय में उठाया जाता है, अगर वाकई कांग्रेस के यहाँ पर वाद विवाद और आपत्ति के बाद चुनाव आयोग इस फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाता है, तो काफी ज्यादा निराश यहां पर खुद सनी देओल भी हो जाएंगे और सनी देओल के साथ ही यहां पर निराशा सामने आएगी उनके तमाम फैंस की। बता दें आपको, सनी देओल हिंदी सिनेमा जगत के एक बेहद ही अच्छे अभिनेता हैं, जिनकी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होता हमेशा उनके फैंस देखना चाहते हैं। सनी की फिल्म ब्लैंक का इंतजार भी दर्शक दिल थाम कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं होती है, अगर इस वजह से फिल्म ब्लैंक की रिलीजिंग टल जाती है, तो यकीनन सनी देओल के तमाम प्रशंसक निराश हो जाएंगे और उन तमाम प्रशंसकों के लिए ये खबर एक बड़ी बैड न्यूज अभी से साबित हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा इसे लेकर उतरना शुरू हो ही चुका है। वेल, हम तो आपसे यही कहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो आखिरकार सनी देओल राजनीति से जुड़ ही चुके हैं, तो इस तरह के विवाद, उनके साथ जुड़ने, उनके सामने आना अब आम बात है। बहुत ज्यादा परेशान आप मत होइए, सनी देओल हैं, अब जिंदगी में कुछ नया करने जा रहे हैं, थोड़ी परेशानियों का तो उनसे सामना होगा ही, लेकिन ये परेशानियां भी हम तो यही चाहेंगे कि 4 दिन की चांदनी बनकर आए और चले जाएं। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आज हमने आपसे देओल फैमिली पर बात की, हेमा मालिनी पर बात की, सनी देओल पर बात की और उनकी फिल्म पर मंडरा रहे खतरे पर। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ और रहिए अपडेटेड।